हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बजाज के शोरूम में हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक का हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। पूरे स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कलर, माइलेज सब कुछ देखेंगे उसका। यहाँ देख सकते हैं आपको ढेर सारा बजाज के सारे मॉडल मिलने वाले हैं। डोमिनार के भी मिल जाते हैं, अवेंजर मिल जाता है इस साइड। बट हम लोग जो डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक का करने वाले हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और स्पोर्टी लुक में, दमदार लुक में मिलने वाला है पल्सर RS 200। तो पहले हम इसका वॉक अराउंड करेंगे, 360 डिग्री व्यू देखेंगे, उसके बाद हम इसके स्पेसिफिकेशन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरीके से आ जाता है। विंड ब्लास्ट भी मिल जाता है फ्रंट में आपको ट्रांसपेरेंट में। और राइट साइड आ जाते हैं तो राइट साइड से जो इसका अपीयरेंस आता है कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर 3D में पल्सर लिखा हुआ मिलेगा। और इसका रियर सेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसका टेल लैम्प देख सकते हैं बहुत यूनिक सा मिलने वाला है पल्सर में, इसमें RS 200 में। और लेफ्ट साइड आते हैं तो लेफ्ट साइड का प्रोफाइल इसका कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो आइए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में मैं साइड इनफेक्ट आ जाता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से आपको हेड के साथ ही इसका रियर व्यू मिरर दिया गया है इस तरीके से, जिसको कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 स्टेप मिल जाता है एडजस्टमेंट। ये आ जाता है विंड ब्लास्ट ट्रांसपेरेंट में देख सकते हैं, जिससे कि राइडर को डस्ट और एयर से प्रोटेक्शन मिल सके। और इसका अपर काउल इस तरीके से दिया गया, बहुत ही स्पोर्टी लुक में वाइडर में दिया गया है। और सेंटर में आ जाता है इसका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए। बीच का सेक्शन देखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्रेस में मिलने वाला है, व्हाइट कलर दिया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ये आपको मिलने वाला है। और हेड के साथ ही दोनों साइड से साइड इंडिकेटर दिए गए हैं, जिनमें की LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। और इसका हेडलैम्प जो है स्प्लिट में दिया गया है, देख सकते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प में दिया गया है। सारे लाइट्स को इनफैक्ट एक बार ऑन करके भी देख लेंगे, साउंड भी सुनेंगे कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा आता है। ऑन कर लेते हैं। वाओ, लाइट वगैरह भी देख सकते हैं दोनों साइड से मिलने वाले हैं, बहुत ही आपको पावरफुल रोशनी मिलेगी। अंधेरे में भी जाते हैं तो रोशनी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने का है। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुन सकते हैं। देखिए स्पोर्टी साउंड मिलने वाला है, थोड़ा आपको पावरफुल मिल जाता है इस साइड देख सकते हैं। इसका एग्जॉस्ट भी इस तरीके से दिया गया है। और आ जाते हैं हमने इसके मडगार्ड सेक्शन में, तो मडगार्ड देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में दिया गया, थोड़ा फ्रंट में चेकर डिजाइन मिलेगा, पीछे आपको प्लेन मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। और मडगार्ड के साइड में ये सेंटर तक आ जाता है व्हील के ऑलमोस्ट, और जहाँ पर ABS का ब्रांडिंग किया हुआ मिलने वाला है। और सस्पेंशन के साथ दोनों साइड से कॉर्निंग रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं टू व्हीलर में, इनफैक्ट सारे व्हीकल में दिए जाते हैं। अब हम इसका टायर देख लेते हैं। इसका टायर आपको MRF का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। अगर साइज देखें इसका तो साइज मिल जाता है 100x80, 17 इंच डायमीटर में दिया गया है। इसका डिजाइन भी देख सकते हैं फ्रंट का कुछ इस तरीके से दिया गया है, किसी भी सरफेस पर चलने के लिए सेफ होता है, कंफर्टेबल होता है, स्केटिंग वगैरह नहीं होने वाला है। और व्हील इसका मिल जाता है हमें अलॉय व्हील ब्लैक कलर में कुछ इस तरीके से। और स्पोक्स का डिजाइन देखें तो स्पोक्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से आने वाला है। इसमें रियर टायर भी आपको ट्यूबलेस टायर हमारे ब्रांड का मिलने वाला, बट इसका साइज आपको थोड़ा वाइडर मिल जाता है 130x70 17 इंच डायमीटर में, यानी डायमीटर सेम है बट थोड़ा वाइड हो जाता है ये। और व्हील आपको ब्लैक कलर में इसी तरीके से स्पोक्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसका ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं तो इसमें आपको जबरदस्त ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आने वाली है। फ्रंट में डिस्क कुछ इस तरीके से पेटल टाइप में दिया गया है वेंटिलेटेड में। 300 mm में फ्रंट डिस्क आ जाता है और कैलिपर इसमें बाइबर का दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। जबकि रियर ब्रेक आपको इसमें 230 mm में डिस्क ब्रेक मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको ABS मिलता है, यानी कि डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक मिलने वाली है। अब हम इसका सस्पेंशन देख लेते हैं तो फ्रंट में सस्पेंशन हमें मिलता है टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बस दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कवर हो जाता है इसके बॉडी से क्योंकि फेयरिंग इसका आपका कंप्लीट मिलता है, स्पोर्टी में मिलता है। और रियर सस्पेंशन यहाँ से देख सकते हैं रेड कलर में दिया गया, नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर। सेफ्टी कंफर्ट के फीचर्स के बाद हम बाकी यूटिलिटीज वगैरह देख लेते हैं इसका। फ्रंट तो जैसा कि हमने लाइट वगैरह सब कुछ देख लिया, पूरा LED सेटअप में ही लाइट मिल रहा था। साइड में आ जाते हैं तो इसका फेयरिंग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया गया, पूरा नीचे तक आ जाता है व्हाइट ब्लैक, और थोड़ा स्टिकर वर्क में आप देख सकते हैं रेड के कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड डिजाइन भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में मिल जाता है 200 लिखा हुआ। अब इसके टैंक के टॉप में आ जाते हैं तो टैंक का टॉप इस तरीके से मिलता है, फ्यूल लिड मिल जाता है ये सिल्वर ग्रे कलर में, यहाँ से देख सकते हैं। और इसका डिजाइन भी इस तरीके से है कि वाटर वगैरह नहीं जाएगा, और बाहर भी बाइक खड़ी है तो ऊपर से इस तरीके से आपको थोड़ा इस तरीके से डिजाइन किया हुआ मिलने वाला है। और टैंक के साथ ही आपको पल्सर 3D में लिखा हुआ मिलने वाला है इस तरीके से। और यहाँ पर
टैंक पैड और थाई पैड की इस तरीके से डिजाइन किया गया, देख सकते हैं। थोड़ा कुशन टाइप का मिल जाता है जिससे कि राइडर का ग्रिप भी बढ़िया हो जाता है और कंफर्टेबल राइड होती है। और इसका सेंट्रल बॉडी देखेंगे तो सेंटर में यहाँ पर वेंटिलेटर टाइप इस तरीके से डिजाइन दिया गया है। ये पूरा ब्लैक कलर में आ जाता है और ये पैनल पूरा आपको मिलने वाला है ग्लॉसी व्हाइट कलर में, जहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, थोड़ा कुशन टाइप का दिया गया है। और यूटिलिटीज में यहाँ देखा जाता है ब्रेक, राइडर के लिए फुटरेस्ट, और ये आ जाता है मेटल में प्लेन राइडर के लिए फुटरेस्ट, इसको किस तरीके से लॉक भी आप कर सकते हैं। उसके फ्रंट में देखेंगे तो पूरा ही कवरिंग मिलता है, इंजन को भी कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाता है इस तरीके से। फ्रंट इंजन काउल इस तरीके से दिया गया, फ्रंट से आपको वेंटिलेटेड डिजाइन मिलेगा जिससे कि एयर भी पास होता रहे, जिससे कि एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो, स्पीड अच्छी मिले। और ये आ जाता है साइलेंसर जो कि आपको स्पोर्टी में छोटा सा मिलने वाला है, और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट पॉइंट। और पीछे आ जाते हैं तो पीछे का डिजाइन आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टिकर वर्क में आपको RS 200 लिखा हुआ मिलने वाला है, और यहाँ पर रेड के कॉम्बिनेशन में दिया गया है, रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। और इसी के साथ ही दोनों साइड से कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया गया जो कि ग्रैब बार का काम करता है, बाइक को आगे पीछे करना है तो कंफर्टेबल हो जाता है, इवन प्लेन राइडर के लिए भी सपोर्ट का काम करता है। इसमें टेल सेक्शन का लाइट सेटअप भी आपको LED में ही मिलने वाला है। ये आ जाते हैं साइड इंडिकेटर, ये आ जाता है टेल लैम्प और ब्रेक लाइट, और ये मिल जाता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर। ये मिलता है रियर टायर हगर, दोनों साइड से इस तरीके से कवरिंग मिल जाता है। और ये लाइट को एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं, इसका साइड इंडिकेटर और ब्रेक लाइट वगैरह कैसा मिलता है। तो देखिए ऑन होने के बाद साइड इंडिकेटर कर देते हैं और ये ब्रेक लाइट कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हम लेफ्ट साइड आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड का भी डिजाइन वर्क आपको ऑलमोस्ट वैसे ही मिलने वाला है। यहाँ पर आपको RS 200 स्टिकर वर्क में मिलेगा, और ये मिल जाता है ग्रिल या साड़ी गार्ड बोल सकते हैं, जिससे कि साड़ी दुपट्टा से प्रोटेक्शन हो, स्पेशली लेडीज और गर्ल्स के लिए। ये आ जाता है प्लेन राइडर के लिए फुटरेस्ट, और ये राइडर के लिए। और लेफ्ट साइड से ओवरऑल देखेंगे तो सारा डिजाइन वैसे ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको 200 लिखा हुआ मिलने वाला है रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। इसका सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो ये स्प्लिट में आपको 2 लेवल सीट मिलने वाला है। ये आ जाता है राइडर के लिए और प्लेन राइडर के लिए। इनफैक्ट बैठ कर भी देख लेते हैं ये कितना कम्फर्टेबल है, देखिए अगर कम हाइट है तो भी आपको कम्फर्टेबल राइड मिलने वाला है, यानी कि लेग रीच आपको इसमें काफी अच्छा मिल जाएगा। हम इसका इंजन देख लेते हैं कि हमें इसमें इंजन कैसा मिल रहा है और कितना पावर का मिल रहा है। जैसा कि इसका इंजन यहाँ पर प्लेस है ब्लैक कलर में, यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट कवर है इसके फेयरिंग से। इसका इंजन मिल जाता है फ्यूल इंजेक्टेड ट्रिपल स्पार्क 4 वॉल्व BS6 DTSI लिक्विड कूल्ड, और इसमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 199.5 cc और मैक्सिमम टॉर्क 18.7 Nm एट द रेट 8000 RPM, और इसमें पीक पावर मिलेगा 24.5 PS एट द रेट 9750। इसका मीटर कंसोल देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले इसका कुछ इस तरीके से आने वाला है, ऑन करने के साथ इसका इंटरफेस ऐसा ओपन होने वाला है, सेमी डिजिटल बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। जहाँ यहाँ ये RPM मिल जाता है आपको, ये मिलता है फ्यूल इंडिकेशन वगैरह आपको, और यहाँ से आपको मिलने वाला है साइड स्टैंड का इंडिकेशन, क्लॉक, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाते हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह, साइड इंडिकेटर, न्यूट्रल, माल फंक्शन, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। और ये 2 स्विच भी यहाँ पर दिए गए हैं जिससे कि आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और इसका हैंडल बार आपको स्प्लिट में कुछ इस डिजाइन में दिया गया है स्पोर्टी में। लेफ्ट हैंडल बार पे आपको 4 स्विच मिल जाते हैं, फ्रंट से तो पासिंग का मिल जाता है यहाँ से देख सकते हैं, ये हाई लो बीम के लिए, साइड इंडिकेटर और नीचे हॉर्न के लिए। और दूसरी साइड आ जाते हैं, तीसरी साइड आपको 2 स्विच दिए गए हैं, ये किल स्विच दिया गया है और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट के लिए दिया। डायमेंशन देख लेते हैं कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस वगैरह कैसा मिलता है। और इसमें व्हील बेस मिलता है 1345 mm, और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 157 mm, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाता है 30 लीटर का, और इस बाइक का कव वेट आ जाता है 166 kg। जैसा कि ऑलमोस्ट डिटेल इस बाइक के बारे में आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया है, तो हमारे साथ हैं साहिल भाई, आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी। तो पहले हमें ये बताइए कि इसमें हमें कलर ऑप्शंस क्या मिलते हैं, कितने मिल जाते हैं, कौन कौन से? सर देखिए इसमें एक कलर व्हाइट आता है जी, इसमें एक हमारा आपने देखा होगा ब्लैक कलर भी आता था इसमें, एक, जी जी, एक इसमें रेड कलर और मिल जाता है आपको, यानी कि 3 कलर ऑप्शन, 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा आप पसंद करें वो कलर आप ले सकते हैं जी। तो और फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना मिल जाता है सर? फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 30 लीटर है। 30 लीटर राइट। और टॉप स्पीड और माइलेज वगैरह कैसा मिलेगा? सर देखिए टॉप स्पीड इसकी 140 है। ओके ठीक है। माइलेज की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू RPM होता है, देन माइलेज इसको आपको आराम से 40 प्लस निकाल सकते हैं आप इससे। अच्छा, तो कस्टमर फीडबैक भी 40 के आसपास आ जाता है? बिल्कुल सर, मिला है कस्टमर फीडबैक हमें 40 प्लस मिला है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं लास्ट में इस बाइक का प्राइस की बाइक हमें अवेलेबल कितने में है, जो की लुक वाइज भी परफॉर्मेंस वाइज भी वैसे बहुत जबरदस्त है,
इसका प्राइस क्या आ जाता है सर? इसका प्राइस पड़ेगा आपको 2,02,000 रूपए। ये ऑन रोड प्राइस एवरीथिंग विद ऑन रोड प्राइस है आपका, विद इंक्लूड हेलमेट भी देंगे। अच्छा, हेलमेट भी आ जाएगा, ग्रेट। तो यहाँ का आप कॉन्टेक्ट डिटेल भी शेयर कर दीजिए। और ये कहाँ लोकेटेड है सर? ये लोकेशन आपकी पड़ती है ओखला फेस 2, आपने देखा होगा ओखला फेस 2 एस ब्लॉक में, मधु बजाज। राइट, और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिए सर। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ का है आपका 9560208231। जी, जैसा कि यहाँ कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया, आपको एड्रेस भी मिल गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो फर्दर क्वेरी आप चाहें तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना है, थैंक्स, बाय बाय, थैंक यू। ओके सर।